दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जादर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सुख दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सबका मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय।